Hello, ladies and gentlemen. Namaskar, sat sri akal, salam. This is Amit Kapoor. Today I am going to talk about monthly prediction month of September 2021. So, आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ September 2021 का prediction. जैसे कि आप सब जानते हैं कि मेरी हर एक predictions आपके लगन राशि पर आधारित हैं, आपके ascendants पे based हैं, क्योंकि ascendants horoscope का बादशाह है. अगर आप कोई भी prediction सुने मेरी तो आप असेंडेंस को अपने माइंड में रख के सुने. यू विल डेफिनेटली गेट 100% फंटास्टिक प्रेडिक्शंस और यू विल गेट 100% गुड रिजल्ट्स इफ यू हेयरिंग प्रेडिक्शन एज पर असेंडेंस. लगन राशि को दिमाग में रख के अगर सुनेंगे तो आपको 100 out of 100% रिजल्ट्स मिलेंगे. बशर्त यह है कि आपके ऊपर योग कारक प्लैनेट की महादशा चलनी चाहिए, अंतरदशा चलनी चाहिए. कई बार ऐसा होता है कि हम प्रेडिक्शंस करते हैं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हैं, सब प्रेडिक्शंस करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि सर आपकी प्रेडिक्शन हमारे पे सूटेबल नहीं बैठ रही है. वो क्यों नहीं बैठ रही है? या तो आपको आपका लगन नहीं पता, या आपको आपका मून साइन नहीं पता, या आपको अपना ये नहीं पता कि आपके बर्थ चार्ट में महादशा किस प्लैनेट की चल रही है. अब सपोज करें आपके हॉरोस्कोप में जुपिटर स्ट्रांग हो, ठीक है, और जुपिटर ट्रांजिट में भी स्ट्रांग है, या आपके हॉरोस्कोप में दशा चल रही है राहु की और यू आर नॉट इन ए कंफर्ट जोन, यू आर टोटली आउट फ्रॉम कंफर्ट जोन. और हमारी प्रेडिक्शन से कह रही है कि जिन लोगों का जुपिटर स्ट्रांग है, क्योंकि जुपिटर ट्रांजिट में भी स्ट्रांग है, आई गिव यू वन एग्जांपल, तो उनके लिए ये टाइम फ्रेम बड़ा अच्छा आने वाला है. तो सबसे पहले अपने नियरेस्ट एस्ट्रोलॉजर से अपने हॉरोस्कोप को एनालाइज करवाएं और अपने नियरेस्ट एस्ट्रोलॉजर से ये पूछें कि भाई साहब आप मेरा लगन क्या है, मेरे मून साइन क्या है, मेरे ऊपर किस प्लैनेट की महादशा चल रही है और उस प्लैनेट का टाइम फ्रेम कितना है. क्या राहु की 18 साल की दशा है, क्या जुपिटर की 16 साल की दशा है, क्या मरकरी की 16 साल की दशा है, क्या शनि की 19 साल की दशा है, क्या केतु की 7 साल की दशा है, क्या सूर्य की दशा है आपके ऊपर, चंद्रमा की 10 साल की दशा है, मंगल की दशा है, किस प्लैनेट की महादशा चल रही है, क्या शुक्र की 20 साल की दशा चल रही है. डिपेंड करता है प्रेडिक्शंस का एक्यूरेट होना आपके इंडिविजुअल बर्थ चार्ट में महादशा का चलना. तो आइए बात करते हैं एरिस असेंडस की. एरिस असेंडस इन द मंथ ऑफ सितंबर 2021 यू विल बी ऑन अनदर हाइट ऑफ सक्सेस. फर्स्ट 17 डेज विल बी अल्टीमेट फॉर यू. देखें 6 सितंबर तक मंगल जो है वो एरिस साइन सॉरी लियो साइन में ट्रांजिट कर रहे हैं. 6 सितंबर से नेक्स्ट 45 डेज के लिए आपके लगन के लॉर्ड आपके 6th हाउस में चले जाएंगे और मरकरी के साथ कंजक्शन करेंगे 22 सितंबर तक और वहां पर ट्रांजिट करेंगे. सबसे पहले तो जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं उनको नौकरी मिलने वाली है, फाइनेंस आपका अपग्रेड होने वाला है, हर एक तरफ से आपको वाह वाही सुनने को मिलेगी, आपकी बल्ले बल्ले एरीज होने वाली है. एफर्ट्स अगर आप डालते रहेंगे तो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलते रहेंगे. द मोर यू पुट एफर्ट्स एट योर वर्क प्लेस द मोर यू गेट फंटास्टिक रिजल्ट्स. दिस होल टाइम ब्रिंग्स लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, लॉट ऑफ गुड गेन्स आर देयर. एरीज यू जस्ट नीड टू परफॉर्म योर बेस्ट. First 17 days of September 2021 will be highly beneficial and rewarding for you because 6th Lord transit in exalted sign in 6th house. Buddh ka aapke lagan se chhate bhav mein gochar karna, wo bhi uch rashi ka, aapke liye har lihaz se yog karak paristhitiyon ka nirman kar raha hai. अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं, नौकरी की तलाश में हैं, लंबे समय से आपको नौकरी नहीं मिल रही तो आपको नौकरी मिलेगी. काम धंधे में कोई प्रॉब्लम आ रही है, काम धंधा नहीं आपका चल पा रहा या उसमें प्रॉफिट्स नहीं आ पा रहे थे, अब वो आएगा. आपके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, काम धंधा आपका बढ़ेगा, स्टेबिलिटी ऑफ माइंड रहेगा, शत्रु आपके परास रहेंगे, कोई लोन आपका क्लिक हो सकता है, फॉरेन जर्नीज हो सकती हैं, फॉरेन रिलेटेड कोई एक्टिविटीज हो सकती हैं, क्योंकि मंगल की दृष्टि आपके 12वें भाव यानी कि 12th हाउस पे है. लगन लॉर्ड बींग अ लगन लॉर्ड ट्रांजिट इन योर 6th हाउस एस्पेक्टिंग इज ऑन योर 12th हाउस. 7th एस्पेक्ट आपके लगन पे, 8th एस्पेक्ट आपके सॉरी 7th एस्पेक्ट आपके 12th हाउस पे, 8th एस्पेक्ट आपके लगन पे, 4th एस्पेक्ट 6th हाउस से मंगल का आपके 9th हाउस पे, यानी कि भाग्य में बढ़ोतरी, विदेश यात्राएं होना, विदेश से कोई अच्छे न्यूज मिलना या कॉम्युनिकेशन के थ्रू कुछ गेन्स हो जाना. इस आपको जरूरत है फोकस होने की. 17 सितंबर तक जो पीरियड है उसका एडवांटेज उठाएं, 17 सितंबर तक का जो टाइम है उसका एडवांटेज उठाएं. हर लिहाज से आपके लिए समय योग कारक है. अब देखें कुछ लोग होते हैं जो घर में बैठे बैठे ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं, यू नो डे ड्रीमर होते हैं, लेकिन कुछ एफर्ट्स नहीं डालते और वीडियोस देखते रहते हैं एस्ट्रोलॉजी का कि अब हमारा अच्छा समय शुरू हो गया है, तो अमेरिका से कोई प्लेन आएगा हमारे घर के सामने लैंड करेगा और हमें अंदर बैठाएगा और हमें अमेरिका ले जाएगा. सो दिस इज नॉट पॉसिबल. अमेरिका जाने के लिए आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, आपको कहीं भी जाने के लिए एफर्ट्स करने पड़ेंगे, आपको प्लेटफॉर्म तक जाना पड़ेगा, प्लेन के टर्मिनल तक जाना पड़ेगा. कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ सोचते रहते हैं, करते कुछ नहीं है. एरिस ये टाइम सोचने का नहीं है, ये टाइम डे ड्रीमिंग करने का नहीं है, ये टाइम है एफर्ट्स लगाने का, हार्ड वर्क करने का, पैशनेट होकर हार्ड वर्क करने का.
जितना ज्यादा पैशन दिखाएंगे उतना ज्यादा बढ़िया रहेगा। 14 सितंबर को जुपिटर वक्री होते हुए आपके दसम भाव में दोबारा से आपके सेकंड हाउस को, आपके फोर्थ हाउस को, आपके सिक्स्थ हाउस को देखेंगे। देखें, एम्प्लॉयमेंट के बहुत बड़े योग बन रहे हैं। अगर आपका लव अफेयर था, आपका लव अफेयर में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो योर लव विल बैक आफ्टर 14 सितंबर। जुपिटर एंटर इन योर 10th हाउस इन रेट्रोग्रेड मोशन, यू नीड टू परफॉर्म योर बेस्ट। कम्युनिकेशंस को बंद ना होने दें। कम्युनिकेशंस एक ऐसी चीज है जिससे आप अपने बिखरे हुए रिश्तों को जोड़ सकते हैं। जितना ज्यादा कम्युनिकेट करेंगे, जितना ज्यादा पॉजिटिव अप्रोच दिखाएंगे, जुपिटर का ट्रांजिट 10th हाउस में, जिसकी एस्पेक्ट सेकंड हाउस पे है, आपके फोर्थ हाउस पे है, आपके सिक्स्थ हाउस पे है, एम्प्लॉयमेंट की में आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है, पर्सनल लाइफ में आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है, वाइफ के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ आपकी बहुत बढ़िया ट्यूनिंग होने वाली है, नई गाड़ी बाय करने वाले हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, सुखों की बढ़ोतरी होगी। ये सारा महीना एकाएक आपकी भाग्य को बदलने का दम रखता है। एरिस, ये सारा महीना आपके लिए आपकी हर लिहाज से बल्ले बल्ले है, आपको सिर्फ परफॉर्मेंस करने की जरूरत है। देखिए, जब तक परफॉर्मेंस नहीं देंगे तब तक क्या रिजल्ट आ रहा है, ऑडियंस से क्या हमें फीडबैक मिल रहा है, हमें पता नहीं लगेगा। विनिंग एंड लूजिंग इज नॉट ए मैटर ऑफ कंसर्न, बीइंग इन द रिंग इज अ मेन मैटर ऑफ कंसर्न। तो ऑडियंस का रिएक्शन क्या है एक मूवी के प्रति, हमने उससे कोई लेना देना नहीं। एक्टर का काम होता है एक्टिंग करना। सो वी ऑल आर एक्टर ऑन दिस अर्थ, वी नीड टू परफॉर्म अवर बेस्ट। अपने एफर्ट्स डालें एरिस, जितने एफर्ट्स डालते जाएंगे उतना अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलेगा। देखिए, सन ऑलवेज राइज आफ्टर डीप डार्कनेस, तो हर काले अंधेरे के बाद, अंधेरी रात के बाद सूर्य उदय होता है और प्रकाश करता है। लाइफ इज लाइक दैट। इफ यू आर फेसिंग एनी टाइप ऑफ हर्डल, स्ट्रगल और एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन योर लाइफ, डोंट लूज योर हार्ट, बिकॉज यू आर विनर, यू आर द बेस्ट द वे यू आर। एरिस, ये सारा महीना आपके लिए आपकी बल्ले बल्ले कराएगा, आपके एफर्ट सक्सेसफुल होंगे, जमीन जदाद से संबंधित रुके हुए मसले आपके सॉल्व होंगे, आपको हर एक तरह से वाहवाही मिलेगी, आपको हर एक तरह से तरक्की मिलेगी। अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स लेते रहें, भाइयों से लड़े ना, भाइयों से उलझे ना, भाइयों के साथ जितना बना के रखेंगे उतना अच्छा है। अगर आपकी कोई यंगर सिस्टर है, आपकी कोई सिस्टर इन लॉ है, आपके भुआ जी हैं, मासी जी हैं, उनकी ब्लेसिंग्स लें, भुआ जी के साथ, मासी जी के साथ टाई अप अच्छा रखें। कम्युनिकेशंस अपने लाइफ पार्टनर के साथ आपके अच्छे होने चाहिए। जितने ज्यादा कम्युनिकेशंस आपके लाइफ पार्टनर के साथ अच्छे होंगे उतना ज्यादा रिजल्ट आपको आपकी पर्सनल लाइफ में देखने को मिलेगा। अगर कुछ कंफ्यूजन थी, अगर कुछ लड़ाई झगड़ा था आपकी लव लाइफ में, तो जुपिटर का सेकंड हाउस पे एस्पेक्ट, फोर्थ हाउस पे और सिक्स्थ हाउस पे एस्पेक्ट आपकी पर्सनल लाइफ को, आपकी प्रोफेशनल लाइफ को इंप्रूव करेगा। अब देखें, लगन लॉर्ड के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ना शुरू हो जाएगी। माशाल्लाह, वन ऑफ द ब्रिलियंट ब्रिलियंट योगा विल स्टार्ट। मर्करी एंड मार्स रिसीव 9th एस्पेक्ट फ्रॉम द जुपिटर फ्रॉम 14 सितंबर, एंड जुपिटर इज अ प्लैनेट ऑफ एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, एंड इन योर फॉर यूर असेंडेंस एरिस, जुपिटर इज वन ऑफ द योग कारक प्लैनेट, यू विल डेफिनेटली गेट फंटास्टिक रिजल्ट। यू नीड टू परफॉर्म योर बेस्ट। आई एम प्रेइंग फॉर योर हैप्पी फ्यूचर एंड मस्ट चैंट दिस मंत्र, ओम सीता राम च हनुमते नमः, ओम सीता राम च हनुमते नमः, ओम सीता राम च हनुमते नमः। डोंट मेक एनी फॉल्स कमिटमेंट और एनी फॉल्स प्रॉमिस विद एनीवन। बी हम्बल, बी पोलाइट, परफॉर्म योर बेस्ट, यू विल डेफिनेटली विन द रेस अगेंस्ट लाइफ। आई एम प्रेइंग फॉर योर हैप्पी फ्यूचर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद।